हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2-3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 2-3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन करेंगे 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस क्या हो जाता है, सेक एक्स। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 3। अब यहाँ पे साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स। और 1 अपॉन कॉस एक्स बच जाएगा, तो वो हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस एक्स को सेक एक्स। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। तो ये आपका 2 फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप लिख लेना साइड में और साथ ही साथ लर्न भी करते जाना। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन एक्स माइनस 3। इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 के साथ मिलेंगे।